देखिए, बड़ी चीज़ यह है कि बैठक शुरू होने वाली कुछ ही पलों में जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको हम बताएंगे। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा जी फिर से उनसे जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। जयपुर से आ रही ये बड़ी खबर, देखिए 17 नए जिलों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। रिटायर्ड IAS ललित के पवार की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मंथन होगा। 17 नए जिलों, 3 संभागों में प्रशासनिक जरूरत, वित्तीय संसाधनों, क्षेत्राधिकार सहित अन्य बिंदुओं को लेकर विचार। मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में बैठक शुरू हो गई है। मदन दिलावर को शामिल किया गया है इसमें। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा बैठक में शामिल हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ VC के माध्यम से अबुधाबी से जुड़े। प्रमुख सचिव राजस्व दिनेश कुमार भी मौजूद। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, 17 नए जिलों के भविष्य, 3 संभागों में किस प्रकार की प्रशासनिक जरूरत, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण दिलावर साहब के संयोजन में जो हो रही है? देखिए, अब तक ये बैठक मंत्री कह सकते हैं, डिप्टी CM है प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में होती थी, लेकिन अब मदन दिलावर को इस कह सकते हैं कैबिनेट सब कमेटी में संयोजक के तौर पर शामिल किया गया है। और ये बैठक मदन दिलावर के संयोजन में कह सकते हैं कि पहली बैठक है, लेकिन इससे पहले जिलों के 17 जिलों का क्या भविष्य होगा, 3 संभागों का क्या भविष्य होगा, और ललित के पवार जो रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं वह उनके उन्होंने जो 30 अगस्त को जो अपनी एक रिपोर्ट पूरे सभी जिलों के अंदर और सभी संभागों के जाकर अपनी रिपोर्ट है वो तैयार की थी, उस रिपोर्ट को लेकर ये चर्चा की जा रही है। देखिए, इसमें जो ललित के पवार की जो कमेटी बनाई थी रिटायर्ड IAS की अध्यक्षता में, उसमें वहाँ का पूरे रोड मैप वहाँ पर देखा गया था, किस तरीके के वहाँ संसाधन है, क्या कुछ लोगों की जरूरत है, कितनी डिस्टेंस उनको मापनी पड़ती है, दूसरे राज्यों की तुलना के अंदर कितने दूसरे राज्यों में जो जिले हैं उनके क्या मापदंड है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या मापदंड है जिलों को लेकर, इन सभी सभी को समावेश करके एक रिपोर्ट ये तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट को लेकर अब ये चर्चा की जाएगी और ये कमेटी कैबिनेट सब कमेटी है, इसकी सिफारिश है वो कह सकते हैं कैबिनेट में रखी जाएगी। तो 17 जो नए जिले तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में नए बने और संभाग में, उसको लेकर ये चर्चा है, मंथन है वो किया जा रहा है, जिसमें मंत्री मदन दिलावर तो शामिल है, साथ में कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो अबुधाबी से VC के जरिए जोड़े हैं, वो कमेटी के अंदर शामिल है। साथ में जो मंत्री सुरेश रावत हैं वो इस बैठक के अंदर वो शामिल है, और रेवेन्यू जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दिनेश कुमार वो भी इस बैठक के अंदर शामिल है। चर्चा को लेकर की जा रही है, क्योंकि देखिए अभी सभी सीमाएं हैं रेवेन्यू की वो सील कर दी गई है। हाल में मुख्यमंत्री ने अमित शाह को भी एक पत्र लिखा था कि कुछ हमें राहत दी है और ये जो सीमाएं सील की गई है रेवेन्यू के लिहाज से, इनको कुछ दिसंबर तक खोला जाए। तो सरकार भी शायद इस चीज पर उस रूप पर जा रही है कि ये जिले या तो इनका दायरा कुछ तहसीलों को, कुछ उपखंडों को बढ़ा के कुछ जिलों को कम किया जा सकता है, या जिलों का दायरा बढ़ा सकता है जो मापदंड पूरे नहीं करते हैं और जिनकी जरूरत नहीं है उन जिलों को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जो ललित के पवार के रिटायर्ड IAS हैं उनकी जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें ये सभी मापदंड देखे गए थे कि क्या क्या जरूरत हो सकती है जिलों के अनुसार, और जो नए जिले बनाए वो उनके मापदंड क्या थे और किस आधार पर नए जिलों का गठन किया गया, क्योंकि उनको अस्तित्व में लाया गया, क्योंकि अभी भी ऐसे जिले हैं जहाँ पर जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण है, आज तक इन जिलों के अंदर एक जिले के अंदर कलेक्टर ही नहीं लगा, यानी कि जो एक जिले का पहले वाले जिले का है उसी को अतिरिक्त चार्ज देकर रखा। इसी तरीके से दूदू है, दूदू के अंदर भी जयपुर कलेक्टर को ही अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी हमारे सहयोगी दीपक आप तक पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया दीपक आपका।